आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2020 का जो है सेट ए का डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो 3/2/2020 को आज एग्जाम हुई है, आज के डेट में जो एग्जाम हुई है उसका मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर शुरू से फर्स्ट से चालू करते हैं। फर्स्ट में दिया गया, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफाइंग पावर इज इंक्रीजेज। ए का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ए इंक्रीजेस। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा था, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। टू का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.6931 इनटू एवरेज लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया, टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज। थ्री का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2C। ए हो जाएगा थ्री का, ए हो जाएगा 2C। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन में दिया गया, ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप। फोर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी डिक्रीजेज। फोर का सही ऑप्शन हो जाएगा सी डिक्रीजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव में दिया, किलो वाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी दिया है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय। सिक्स का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, टू हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है दिया गया सेवन में दिया गया, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ईच। तो सेवन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा FM इनवर्स, बी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। एट का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी वैक्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया, विच ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रीजन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी मामर सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 10 नंबर, द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस इज। 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, इसका जो हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इफ डेल्टा इज द एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस देन एक्सप्रेशन फॉर 10 डेल्टा इज। 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा 11 का सी बी वी अपॉन बी एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है 12 का 1 AMU इज इक्वल टू 1.6×10^-27 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए हो जाएगा 12 का ए। 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। 13 का हो जाएगा डी एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का डी हो जाएगा एनर्जी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वन वोल्ट इज इक्वल टू 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1 joule per second per coulomb। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 16, द सिंबल ऑफ कुछ सिंबल दिया गया है रिप्रेजेंट विच गेट। 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी एंड गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर। 17 में दिया गया है एक क्वेश्चन, इसका यूनिट क्या होगा। तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको ये बिल्कुल सही है, आप इसको मिला सकते हैं। आपका दूसरा सेट होगा तो आप उससे जाके इससे मैच कर सकते हैं, ये मैं सेट एच का बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है फ्रेंड्स, दिया गया है लोहा आयरन इज, आयरन क्या है। तो आयरन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी फेरोमैग्नेटिक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट। 19 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी 2.42। 20 में दिया गया है कैथोड रे आर। 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा कैथोड का इलेक्ट्रॉन। चलिए 21st नंबर में दिया गया है, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 21st का वो हो जाएगा ए। आप क्वेश्चन को देख लीजिए ठीक से और अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। 22 में दिया गया है, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग। 22 में दिया गया बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन। 22 का सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। दिया गया है, विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर लॉरेंट्स फोर्स। तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए। दिया गया इक्वेशन यहाँ पे है, आप इसको मिला लीजिए। तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए। 24 में दिया गया, मेजोरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी होल्स। 25 में दिया गया, इंपीडेंस ऑफ LR सर्किट इज। 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 26 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए ट्रांसवर्स वेव। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज। 27 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हीलियम 2-4। 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए 28 नंबर द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज। 28 का जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 29 क्वेश्चन में देखिए द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। 30 में दिया गया है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज। 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी 5। 31 में देखिए 31 में दिया गया है गामा रेज आर सिमिलर टू। 31 में हो जाएगा डी गामा रेज आर सिमिलर टू। 31 का हो जाएगा डी एक्स रेज। चलिए 32 में देखिए 32 में दिया गया है द हॉट वाटर एमिटर मेजर। 32 में हो जाएगा सही ऑप्शन फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। 33 में दिया गया है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। 33 का हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी 2.29 × 10⁻¹⁷ केजी पर मीटर क्यूब। 34 में दिया गया है वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। 35 में दिया गया द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस इज। 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा कॉनकेव लेंस। 36 में दिया गया है द बाइनरी डेसिमल नंबर ऑफ 25 इज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 36 का हो जाएगा सी 11001 होल ट्वाइस। 37 में दिया गया है रेसिस्टेंस ऑफ एमिटर इज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी वेरी स्मॉल। 38 में दिया गया ओरिजिनल पाथ इज इक्वल टू। 38 में दिया गया है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ। 39 में दिया गया है द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एल जी एंड मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ एल एम इज। 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एल एम इज्कल टू 5/6 एल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी साउंड वेव। 41 में दिया गया सम ऑफ चार्ज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर इज। 41 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए 0। 42 में दिया गया है विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज इज। 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।